बाकी पुट और कॉल के कितने सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, इन द सेंस विकल्प, जैसे कि नेकेड कॉल हुए, कवर्ड कॉल हुए, इनका मतलब क्या होता है? वो दरअसल आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। तो नेकेड कॉल या नेकेड पुट का क्या मतलब है कि मेरे पास सिर्फ एक कॉल है या एक पुट है, मैंने कोई हेजिंग नहीं की है। अगर बाजार मेरे हिसाब से चला तो मुझे मुनाफा होगा, अगर बाजार मेरे खिलाफ गया तो जितना मैंने प्रीमियम दिया है वो चला जाएगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ, तो उसको एक नेकेड कॉल या नेकेड पुट कहते हैं। नेकेड कॉल ऑप्शन आप कब लेंगे? जब आपको लगता है कि तेज़ी है बाजार में, तो आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन ले लिया, या आपने जिस शेयर में आपको तेज़ी लग रही है उसका एक कॉल ऑप्शन ले लिया, जितने भी कॉल ऑप्शन चाहिए आपने ले लिया और आप खड़े हैं और आपको लगता है कि इसमें तेज़ी ही होने वाली है। आप खुद को कहीं से भी हेज नहीं कर रहे हैं, गलती का मतलब है पूरा लॉस, और अगर आप सही पड़े पूरा फायदा। तो ये सबसे रिस्की तरीका है डेरिवेटिव्स ट्रेड करने का, बड़े पैमाने पर लोग यही करते हैं। लेकिन जो सीजन प्लेयर हैं वो थोड़ी स्ट्रैटेजी लगाते हैं, वो अपने नुकसान को कम करने के लिए अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। आपने कुछ नाम लिया था, कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल, तो कवर्ड कॉल पोजीशन आपकी वहाँ हो सकती है जहाँ मान लीजिए कि मैंने निफ्टी का फ्यूचर्स लॉन्ग कर रखा है और फ्यूचर्स में मैं तेज़ी में हूँ, मुझे लगता है कि बाज़ार ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि बाज़ार आज 10,800 पे है और मुझे लगता है कि थोड़ी सी अपनी पोजीशन को हेज कर लिए कर सकें हम, तो मैंने एक ऊपर की तरफ कहीं जाके एक 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 पुट भी ले लिया है। तो वो पुट से, चूंकि मैंने पुट बाइंग की है, तो मैंने अपनी पोजीशन को हेज कर लिया, जो फ्यूचर्स की तेज़ी की पोजीशन है उसके सामने मैंने पुट लेकर मंदी की पोजीशन बना ली। लेकिन यहाँ पर जो मैंने पैसे दिए, जो मैंने प्रीमियम दिया, वो रिस्क में आ गया, पर अगर बाज़ार गिरा तो जो फ्यूचर्स से मेरे नुकसान होगा उसकी भरपाई मुझे पुट से हो जाएगी। तो ये कवर्ड पोजीशन है, ऐसे अगर मैं शॉर्ट में हूँ तो मैंने उसको लॉन्ग कर लिया। अगर मान लीजिए मेरे पास अंडरलाइंग एसेट है, डिलीवरी में है, और उसके सामने मैं डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहा हूँ ऑप्शंस में, तो यहाँ पर भी मेरी पोजीशन कवर्ड है क्योंकि मेरे पास अंडरलाइंग पोजीशन तो पड़ी हुई है, तो वहाँ पर पोजीशन थोड़ी हेज करके आप ले सकते हैं। दूसरे जो और तरीके होते हैं आमतौर पर जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और हम बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात करते हैं, वो है बुल कॉल रेशियो या बेयर पुट स्प्रेड। इसका मतलब क्या होता है? इसमें दरअसल आप अपनी कॉस्ट कम करते हैं। मतलब ये मान लीजिए कि अगर निफ्टी 10,800 के लेवल पर है और मुझे लगता है कि तेज़ी है, तो मैं 11,000 की कॉल ले लेता हूँ, तो ये तो एक सीधा तरीका है। लेकिन 11,000 की कॉल ऑप्शन इस समय 80 रुपये में मिल रही है, तो 80 रुपये के हिसाब से मैंने वहाँ पे अपनी पोजीशन ऑलरेडी लगा दी, तो अब मुझे फ़ायदा कब आएगा? जब 11,080 का लेवल पार होगा, क्योंकि प्रीमियम भी तो कवर होना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस महीने तेज़ी इतनी आएगी कि 200 पॉइंट बढ़ जाएगा, इतनी नहीं आएगी कि 400 पॉइंट बढ़ जाए, तो 11,200 वाला जो कॉल ऑप्शन है वो 25 रुपये में बिक रहा है, तो मैंने दो लॉट वहाँ बेच दिए 11,200 के, तो मुझे दो लॉट बेचने से 25-25-50 रुपये आ गए, यानी 80 रुपये एक लॉट मैंने यहाँ दिए हैं, ऊपर से 50 रुपये मैंने कमा लिए, तो अब मुझे 11,030 के ऊपर ही प्रॉफिट होने लगा, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, मेरी कॉस्ट कम हो गई। अगर मान लीजिए मेरे हिसाब से बाजार नहीं चलता है तो मेरा जो नुकसान है वो कम होगा। ये स्ट्रैटेजी एक होती है जिसका इस्तेमाल जो सीजन प्लेयर्स हैं वो करते हैं अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए। ऐसे ही अगर आप बेयर पुट स्प्रेड कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, 10,800 पे बाजार है, मुझे लगता है कि नीचे जाएगा, तो मैंने 10,600 का पुट खरीदा और 10,400 के पुट बेच दिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार 200-200 की ही लिमिट रखें, बहुत सारी चीज़ों पर ये बात निर्भर करता है और उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। सबसे अहम बात यह होती है कि अभी एक्सपायरी में कितना वक्त है और उस लिहाज से फिर मैं तय करता हूँ कि कौन सा लेवल पे खरीदना है, कौन से लेवल पे बेचना है। अब इसमें प्रोटेक्टिव पुट एक छूट गया है, तो ये क्या होता है? ये मोटे तौर पर अगर आपके पास एक पोजीशन खड़ी है, जो हम पहले बात कर रहे थे कि फ्यूचर्स लॉन्ग है और मैंने पुट शॉर्ट कर दिया, या फिर आपके पास एक पोर्टफोलियो है और चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव के बाद बाज़ार गिर सकता है, तो मैं इंडेक्स का पुट ले लूँ या जो स्टॉक मेरे पास है उसका मैं पुट खरीद लूँ ताकि मेरा रिस्क कवर हो जाए, और उस स्थिति में मैं एक अच्छी खासी बड़ी गिरावट के लिए खुद को प्रोटेक्ट करता हूँ। तो मेरा उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, यहाँ पर मेरा मकसद केवल खुद को प्रोटेक्ट रखना है। तो मैं ये करूँगा कि फिर मैं बहुत गहरी वाली, बहुत ही आउट ऑफ द मनी वाला पुट लूँगा ताकि वो सस्ता मिले। जैसे अगर मुझे निफ्टी को हेज करना है और मुझे 11,000 के लेवल पर निफ्टी को हेज करना है, तो मैं 10,500
10,300 ऐसे नीचे वाले स्ट्राइक के पुट लूंगा, उतनी बड़ी गिरावट आएगी तब मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। थोड़ी बहुत 2-400 पॉइंट की गिरावट तो ठीक है, वो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन 500 पॉइंट गिर गया तो फिर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो मैंने नीचे वाला पुट लिया है, उसके नीचे जाएगा तो मेरी पोजीशन पूरी कवर्ड रहनी चाहिए। लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं कि अगर रिजल्ट इलेक्शन का इतना बुरा नहीं आया और बाजार ने उसको पचा लिया तो मैंने जो भी पैसे लगाए हैं वो पूरे चले गए, उससे मुझे फर्क नहीं है। ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूं, ये पैसे कमाने के लिए ले ही नहीं रहा हूं, ये ट्रेड मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रिस्क को कवर करने के लिए ले रहा हूं। तो उस समय मैं ऐसा फैसला करूंगा। लेकिन यही बात जो हम कर रहे थे कि जब आप मुनाफा कमाने के मकसद से चलते हैं तब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक जो कंसेप्ट होता है टाइम वैल्यू का ऑप्शंस के मामले में, ये बहुत ही ज्यादा अहम है इसको समझना। और प्रदीप, आपने कहा था कि टाइम वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है, ये क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑप्शन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस दिन एक्सपायरी होने वाली है उससे आप जितना दूर हैं तब तक ऑप्शन का रिस्क उतना ज्यादा होता है, बाद में वो रिस्क कम होने लगता है। कहने का मतलब क्या, जैसे हम पहले अपना उदाहरण जो दे रहे थे उसी पे वापस लौट कर आते हैं। अगर कोई स्टॉक 200 रुपए पर है और उसके ऑप्शंस आपके पास 190, 195, 200, 205, 210 तक की स्ट्राइक वाले हैं, ठीक है, अभी पूरा महीना बाकी है मान लीजिए एक्सपायरी में, तो 210 रुपए वाला जो कॉल ऑप्शन है वो आज 8 रुपए में मिल रहा है। लेकिन जब 3 हफ्ते बाकी होंगे, मान लीजिए कि भाव आज भी 200 रुपए ही है, बढ़ा नहीं है, लेकिन ये 200 रुपए वाला जो कॉल ऑप्शन है इसका दाम 8 रुपए से घट के 6.5 या 7 रुपए हो जाएगा। अगर एक्सपायरी अगले हफ्ते होने वाली है तो मुमकिन है कि ये आपको 202 रुपए पे मिल रहा हो। तो जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है वैसे वैसे ऑप्शन के दाम बदलते हैं, कम होते हैं। जो एट द मनी का एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये समझने में सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन यही बात हर एक स्ट्राइक के ऊपर देखने को मिलेगी क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव की संभावना कम हो जाती है महीने की शुरुआत में। चूंकि पूरा महीना है तो हम ये कह सकते हैं कि 200 से 210 तक जाना पॉसिबल है, तो वहाँ पर आपने 8 रुपये का प्रीमियम दे दिया तो कोई बात नहीं कि मैं 2 रुपये फिर भी कमाऊँगा। लेकिन अब कल ही एक्सपायरी है, 200 रुपये वाला 210 तो हो नहीं जाएगा, तो आप उसके लिए 8 रुपये तो दोगे नहीं। कितना हो सकता है, 202 हो सकता है, 203 हो सकता है, 204 हो सकता है, तो उतना ही प्रीमियम दिया जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है एक्सपायरी का, वैसे वैसे ऑप्शन की कीमत गिरती है ओवरऑल, ये आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके फेवर में अगर आ रहा है भाव तो उस वजह से बढ़ेगी, यानी 200 रुपये वाला स्टॉक अगर 210 हो गया तो जाहिर है कि फिर वो 200 रुपये वाले कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अब 8 रुपये से बढ़ के 10 रुपये या 11 रुपये या 12 रुपये हो चुकी होगी। लेकिन अब जो एट द मनी है 210 वाला वो अब 8 रुपये का नहीं है, वो अब 2 रुपये का है। तो इसलिए मैंने एट द मनी की बात की, तो एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम होती जाएगी। ट्रेड अगर आपके फेवर में आ रहा है तो उसके दाम जरूर बढ़ेंगे। ये जानना क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि काफी ट्रेडर जब ये सोच रहे होते हैं कि कौन सा ऑप्शन लें तो वो बहुत ज्यादा दूर का ऑप्शन ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत सस्ता मिल रहा होता है, 1 रुपए का मिल रहा होता है, 50 पैसे का मिल रहा होता है। अब यहां पे आपको ये समझना चाहिए कि अगर तो आपके उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भाव निकल गया तब तो ऑप्शन की वैल्यू अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर उसके नीचे रहा तो वो 1 रुपए वाला ऑप्शन 10 पैसे बचेगा एक्सपायरी नज़दीक आने के बाद और अंतिम में तो जीरो ही हो जाएगा। तो जब आप ट्रेड करने के लिए बैठे हैं, मान लीजिए आपने 200 रुपए के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 200 रुपए का जब भाव था बाजार में उस दिन आपने 210 वाला ऑप्शन लिया जो आपको 2 रुपए में मिल गया, ठीक है, अब अगर एक्सपायरी के वक्त भाव 211 हुआ, 212 हुआ तो आपका पैसा एटलीस्ट वापस आ गया, आपको नुकसान नहीं हुआ। अगर 210 के नीचे हुआ तो ठीक है, तो आपके पैसे गए। लेकिन अगर आपने 220 रुपए वाला ऑप्शन ले लिया क्योंकि वो 50 पैसे में मिल रहा था 220 की स्ट्राइक वाला, तो भाव बढ़ के 210 जाएगा, 215 जाएगा, आपको फायदा ही नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। इसलिए इतनी दूर का ऑप्शन आपको नहीं लेना चाहिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। वो सस्ता क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस समय वो भाव काफी ज्यादा दूर है। तो ये एक खास बात है जो लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि वो जो दूर वाला ऑप्शन बायर है वहाँ पे वो केवल उसकी टाइम वैल्यू खाने के लिए ही बैठा है और उसको कुछ नहीं चाहिए, वो आपको सस्ते में ऑप्शन दरअसल दे नहीं रहा है। तो टाइम वैल्यू कम होती जाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए कभी भी निवेश करना चाहिए ऑप्शन में। तो फ्यूचर्स में क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरे भाव से 100 रुपये अंडरलाइन के भाव बढ़ गए तो मुझे पूरे के पूरे 100 रुपये मिलते हैं, लेकिन ऑप्शन के मामले में ऐसा नहीं होगा। मैंने रिस्क तो कम लिया है
लेकिन मेरे हाथ में शायद 50 रुपये 60 रुपये ही आएंगे, डिपेंड करता है कि कब तक आ जाते हैं। इसकी वजह यही होती है क्योंकि ऑप्शन की टाइम वैल्यू में डिके होता है, इसलिए ऑप्शन राइटर चूँकि उसको इसका पूरा फ़ायदा मिलता है वो हमेशा भारी पड़ता है, वो हमेशा मुनाफे में रहता है, लेकिन उसको पैसे भी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, वो रिस्क भी ज़्यादा लेता है और इसलिए वो ज़्यादा फायदे में रहता है या वो ज़्यादा सोच समझ कर पैसे लगाता है। रिस्क की आपने बात कही तो रिस्क मैनेजमेंट हमें कैसे समझना होगा फिर? तो ऑप्शन बायर के लिए कोई रिस्क नहीं है, उन्होंने आपने जितने पैसे लगाए बस उतना ही आपका नुकसान है, लेकिन ऑप्शन राइटर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि उसने फ्यूचर्स ले लिया है या बेच रखा है। उसको उतना ही रिस्क बैठता है जितना कि फ्यूचर्स में बनता है, क्योंकि अगर आपने कॉल राइट किया है तो उसके ऊपर आपको वैसे ही प्रीमियम भरना पड़ता है, वैसे ही मार्जिन भरनी पड़ती है जैसे कि अगर आपने फ्यूचर्स बेचा होता तो होती। तो फ्यूचर्स जो बेचता है वो भी शॉर्ट कर रहा है, वो भी मंदी की पोजीशन ले रहा है, जो आदमी कॉल ऑप्शन राइट कर रहा है वो भी मंदी की पोजीशन ले रहा है, तो ये पोजीशन एक जैसी है। और यहाँ पर लेकिन फ़र्क क्या होता है, जब आप फ्यूचर्स बेचते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं आता, लेकिन जब आप ऑप्शन राइट करते हैं तो आपको प्रीमियम मिलता है जो कि सामने जो ऑप्शन का खरीदार है वो आपको देता है, तो वो प्रीमियम आपकी जेब में आ गया, ये आपका मुनाफा है, लेकिन उसके सामने आपने जो मार्जिन भरी है, अब आपको ये समझना चाहिए कि ये पैसे मैंने एक महीने के लिए ब्लॉक कर दिए जब तक कि ये ऑप्शन चलेगा, और मेरा कैलकुलेशन ये है कि मैंने ऐसे लेवल का कॉल बेचा है जिस पर मुनाफा कभी नहीं आएगा सामने वाले को, तो वो कभी एक्सरसाइज करने आएगा नहीं, ये जो प्रीमियम मैंने ले लिया ये पूरा मेरी जेब में जा रहा है। तो अगर मैंने 1.5 लाख रुपए की मार्जिन भरी तो उस 1.5 लाख रुपए की मार्जिन के ऊपर अगर मैंने महीने के दौरान 10,000 रुपए कमा लिए तो मैंने एक महीने में 7% का इंटरेस्ट कमा लिया, ये समझना चाहिए आपको। बैंक में तो साल भर में मिलता है ना इतना इंटरेस्ट, यहाँ आप महीने में कमा रहे हैं। तो जो फ्यूचर्स का जो ऑप्शंस का राइटर है वो इस तरह से एक फिक्स्ड इनकम कमाने की, एक अच्छी यील्ड कमाने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए वो ये रिस्क लेता है राइटिंग करके, और उसके हिसाब से उसको केवल उतनी लिमिटेड मुनाफा ही होता है, लेकिन वो ज़्यादातर मामले में चूंकि कमाता है इसलिए वो जीतता है, लेकिन उसका रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है और उसको रिस्क भी मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो राइटर का काम जो है वो ज़्यादा दिमाग वाला, ज़्यादा रिसोर्सेज वाला है, इसलिए ज़्यादा बड़े निवेशक या बड़े ट्रेडर जो हैं वो राइटिंग में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, छोटे निवेशक आम तौर पे बाइंग की तरफ ज़्यादा एक्टिव होते हैं। लेकिन हम हमेशा ये राय देते हैं कि आपको दोनों तरफ की पोजीशन के बारे में समझना चाहिए और बाज़ार का मूड देखते हुए पोजीशन दोनों तरफ लेनी चाहिए, तो आप कंसिस्टेंटली अच्छा मुनाफा कमाएंगे। ऐसे दौर कई बार बाज़ार में आते हैं जब ऑप्शन राइटर ही कमा रहा होता है, बायर को बहुत मुश्किल से मौका मिलता है, क्योंकि बायर के लिए ज़रूरी है कि बड़े उतार चढ़ाव हों, तो जब बाज़ार रेंज बाउंड हो जाता है उस समय ऑप्शन बायर के लिए पैसे कमाना नामुमकिन हो जाता है। और राइट, लेकिन यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑप्शंस पर तो चर्चा पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी एफएनओ में कई सारे ऐसे पहलू हैं जो अभी भी आपका समझना ज़रूरी है। और शो के आखिरी पड़ाव